ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, निकाय चुनाव को लेकर मथुरा में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के निष्कासित कैंडिडेट बीजेपी के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। वृंदावन के वार्ड नंबर 67 से पार्षद पद की निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजपाल गौड़ बीजेपी के पूर्व सभासद भी रह चुके हैं। निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। ब्रजवाला गौड़ का आरोप है कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो पहले बसपा में भी रह चुके हैं। इस बार ब्रजवाला गौड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि मुझे जनता ने चुना है, अगर जनता मुझे विजयी बनाती है तो मैं जनता के जो भी वादे हैं उनको पूरा करूंगी, जो भी समस्या है उन्हें दूर करूंगी, नालियों की सफाई और सड़कों का निर्माण करवाऊंगी। ब्रजवाला गौड़ मैदान में उतरी हैं निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए। आप देख सकते हैं ब्रजवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है, जनता से किए गए वादे पूरा करने का जिक्र कर रही हैं। तो वहीं कह रही हैं नालियों की सफाई और सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जनता से जो वादे मैंने किए हैं जीत के बाद वो वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर मथुरा में सरगर्मियां किस तरह से तेज हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बागे बिहारी की क्रीड़ा स्थली वृंदावन इस समय मौजूद है। वृंदावन के वार्ड नंबर 67 में यहां की जो आप देख सकते हैं जो जनता है वो हमारे साथ है। यहां जो प्रत्याशी यहां की ब्रजवाला गौड़ उनसे हम बातचीत करेंगे अभी। क्या नाम है आप? नाम आपका ब्रजवाला गौड़, आप प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 67 से, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं आप? जी हाँ, मैं वार्ड नंबर 67 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है त्रिशूल जी। मैं स्थानीय मुद्दे जो यहाँ की जनता के विकास के मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग सड़क की समस्या, पानी की समस्या, विद्युत समस्या, इसके अलावा और भी जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेके यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। आपका जो बैकग्राउंड वो पॉलिटिशियन रहा है वो क्या रहा है आपका? जी मैं यहाँ से पूर्व में सभासद रही हूँ, अभी अभी निवर्तमान सभासद हुई हूँ यहाँ से। किस पार्टी से सभासद? मैं भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, किसने आपको या जनता ने चुना है या कैसे आपने ये डिसीजन लिया है? जी हाँ, ये डिसीजन मैंने जनता के समर्थन से ही लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना सिंबल प्रदान नहीं किया, उन्होंने किसी ऐसे प्रत्याशी को सिंबल प्रदान किया जो कि पूर्व में बसपा में रहे हैं और उससे पहले वो सपा में रहे हैं। मुझे सिंबल नहीं दिया गया तो यहाँ की जनता ने मुझ पर दबाव बनाया कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ें। मेरा नाम गोपेश गोस्वामी है और मैं भैरी जी के मंदिर का गोस्वामी हूँ और वार्ड नंबर 67 का जो है उम्मीदवार का समर्थक हूँ। सबसे देखिए, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो वृंदावन के लिए लड़े। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वृंदावन के संग जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं जिनका तन मन धन से हमने समर्थन किया था, उन्हें इस पिछले विधानसभा चुनाव में जिताया था, उन्होंने वृंदावन के संग भीतरघात किया है। वृंदावन मथुरा को निगम बनाकर वृंदावन की सीमा को इतना छोटा कर दिया कि जिससे वृंदावन के सारे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है उन्होंने। परिक्रमा मार्ग के उधर अगर आप चले जाएं तो वृंदावन नहीं है, वो सारा का सारा गोवर्धन क्षेत्र आ जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो वार्ड नंबर 67 के जो यहाँ के समर्थक है ब्रजवाला गौड़ जी के, जो कि उनके साथ में पूरी तरीका से, जब ब्रजवाला गौड़ जी से हमने बात की, वो निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से, वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और जो पार्टी में 5 साल वो सभासद रह चुकी हैं उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं लिया, यहाँ की जो जनता है उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने को प्रेरित किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पूरी जनता के साथ है। आप देख सकते हैं जो नारे यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं लगता है कि जो ब्रजवाला गौड़ है उनके जो प्रति उनके समर्थकों का काफी भाव देखने को मिल रहा है। मथुरा से इंडिया वॉइस संवाददाता गौरव चौधरी।